हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2020 में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है बीए बीकॉम बीएससी का, एमए एमकॉम एमएससी का, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 30 नवंबर। कितनी रहने वाली है दोस्तों? 30 नवंबर तक आप दोस्तों सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में अपना एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप यूजी कोर्सेज में हों, चाहे आप पीजी कोर्सेज में हों। और मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी सारी यूनिवर्सिटी हैं, सभी के अंदर यही रूल लागू होने वाला है। यानी कि जो प्रोसेस डीएबीबी यूनिवर्सिटी का, वही प्रोसेस जीवाजी यूनिवर्सिटी का, वही प्रोसेस बी यूनिवर्सिटी का, जितनी भी सारी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में एक ही तरीका है। अब दोस्तों, बात आती है कि हमको एडमिशन फीस किस तरह से बननी है। जो हमको प्रमोशन मिला है फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर में जो हमको प्रमोशन मिला है, उस प्रमोशन फॉर्म को, उस प्रमोशन फीस को हमको कैसे अप्लाई करना है, हम कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से चेक करने वाले हैं। पूरा हम देखेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक सारी प्रोसेस देखने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है ई प्रवेश। इसका जो डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमको अपनी फीस सबमिट करनी है सेकंड ईयर की, यूजी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर या पीजी फाइनल ईयर की। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, एक ब्लू कलर में एक लिंक दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने हाईलाइट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर लिखा है ई प्रवेश स्टूडेंट प्रमोशन यूजी सेकेंड थर्ड ईयर पीजी फाइनल ईयर। तो आप अगर यूजी का फीस सबमिट करना चाहते हैं, चाहे सेकंड ईयर का करना चाहते हैं, चाहे थर्ड ईयर का, और अगर आप पीजी का करना चाहते हैं फाइनल ईयर का, तो आपको क्या करना है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले को फीस सबमिट करने के लिए आपको फर्स्ट नंबर पर लिंक दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। और अगर आप पीजी फाइनल ईयर का करना चाहते हैं, तो आपको सेकंड नंबर वाली इस लिंक पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है आवेदकों हेतु कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे। आवेदक स्वयं आवेदन फॉर्म की भलीभांति जाँच लें तथा संतुष्ट होने के उपरांत ही शुल्क का भुगतान करें। यानी कि यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है, इंस्ट्रक्शन दे दिया है, आपको फॉर्म बनने से पहले आप अपने जो नाम, डेट, प्रदर्शन सभी को चेक कर लेना है, और फीस बनने के पहले पहले आपको इस सारी चीज़ें चेक करनी है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको चेक मार्क कर देना है। और दोस्तों, चेक मार्क यहाँ से, जैसा कि मैंने राइट का निशान लगा दिया, और चेक मार्क करने के बाद में यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, आई एग्री लिखा है नीचे, तो आई एग्री पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ से आई एग्री पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर हमको लिंक दिखाई देगी ऑनलाइन प्रमोशन, ऑनलाइन प्रमोशन की हमको लिंक दिखाई देगी। और यहाँ पर लिखा होगा दोस्तों, स्टूडेंट प्रमोशन फॉर यूजी सेकंड थर्ड ईयर रीप्रिंट रिसीप्ट। अगर आप पेमेंट कर देते हो और इसके बाद में इसका रिसिप्ट निकालना चाहते हैं, तो इस लिंक के माध्यम से आपको रिसिप्ट निकालना होगा। 5 नवम्बर से लेकर 30 नवम्बर के बीच में आप अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे। ओके, अब इसके बाद में अगर आप पीजी का फीस सबमिट करना चाहते हैं, तो दोस्तों पीजी का फीस सबमिट करने के लिए आपके सामने इस तरह का लिंक आएगा। यहाँ पर लिखा रहेगा स्टूडेंट प्रमोशन फॉर पीजी फाइनल ईयर रीप्रिंट रिसिप्ट, जो कि 5 नवंबर से 30 नवंबर तक वैलिड रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका फीस आप तभी सबमिट कर पाएंगे जब आप अपने कॉलेज में जाकर प्रमोशन लिंक को एक्टिव करा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रमोशन लिंक को एक्टिव करा लेंगे, यानी कि सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए आपको कॉलेज में जाकर अपना फॉर्म अप्रूव कराना होगा। और अप्रूव कराने की जो लास्ट डेट रखी गई है, वो रखी गई है दोस्तों 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में। यानी कि आपको 10 नवंबर के बीच तक आपको अपना फॉर्म अप्रूव कराना होगा। और एक बार दोस्तों 10 तारीख तक आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है, तो आप 30 नवंबर तक आराम से फीस सबमिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको 10 नवंबर तक आपको फॉर्म अपना अप्रूव कराना है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, यानी कि अपना नामांकन नंबर डालना है। इसके बाद में यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, और यहाँ से अपना प्रमोशन ईयर सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसा कि यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, आप सेकेंड ईयर में करना चाहते हैं, थर्ड ईयर का करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन यूजी सेकंड थर्ड ईयर। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आपका अपना फोटो और सिग्नेचर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर दिखाई दे जाएगा, मदर्स नेम दिखाई दे जाएगा, आपका नेम दिखाई दे जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जेंडर दिखाई दे जाएगा यहाँ पर,
आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको दिखाई देने वाली, यानी कि सारा डिटेल्स आपको दिखाई देगा। और इसके बाद में दोस्तों कॉलेज एंड कोर्स डिटेल्स आपको दिखाई दी जाए। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने कॉलेज और कोर्स की डिटेल्स दिखाई देंगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जीबाजी यूनिवर्सिटी। और किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया था, बीए आर्ट्स का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, किस कॉलेज से अप्लाई कर रहे हैं और किस ईयर के लिए कर रहे हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं सेकंड ईयर के लिए। ओके, और जो आपकी जो फीस रहने वाली है वो 500 रुपये फीस रहेगी, और 30 रुपये का आपको पोर्टल शुल्क होता है वो पे करना होगा। इस हिसाब से आपको 530 रुपये का पे करना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ से चेक मार्क पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको प्रोसेस टू पे पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन बताएगा, डू यू वांट टू प्रोसेस एंड पेमेंट फॉर प्रमोशन पीस एंड गवर्नमेंट कॉलेज। जिस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप पीस सबमिट करना चाहते हैं उससे आपको पूछेगा कि आपको सबमिट करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको पीस पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली, और आपको जिसके माध्यम से पीस पेमेंट करनी है पीस पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, IMPS के माध्यम से, UPI के माध्यम से, वॉलेट के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप पीस पेमेंट करना चाहते हैं उसके माध्यम से पीस पेमेंट कर दीजिए। 530 रुपये को आपको पेमेंट करना है। तो दोस्तों पीस भरने के बाद में आप इसका प्रिंटआउट निकाल लीजिए, जिससे कि आपको भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस प्रिंटआउट को आपको कॉलेज में जाकर सबमिट करना होगा जब आपके कॉलेज ओपन हो जाएंगे तब। ओके, तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ में, साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट होते हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हो। ओके, तो वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।